अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता दिन रात लगे हुए हैं। इसको लेकर तराना के विधायक महेश परमार ने भी समर्पण निधि से 21,000 रूपए दान दिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कार्यकर्ता अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए सहायता निधि इकट्ठा करने को लेकर उज्जैन में अलग अलग जगह राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण निधि संग्रहण अभियान के तहत केंद्र खोले जा रहे हैं। इंदौर रोड पर भी नए केंद्र की शुरुआत संत महात्मा की उपस्थिति में की गई। राजेंद्र नगर मंडल के नाम से केंद्र यहां खोला गया है। तराना के विधायक महेश परमार ने साथियों के साथ मिलकर 21,000 रूपए की राशि राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के लिए प्रेषित की। तराना विधायक महेश परमार ने कहा कि भगवान श्री राम हमारे आराध्य देव हैं। देशवासियों के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। हर देशवासियों के लिए सौभाग्य की बात यही है। मैं और मेरा परिवार भगवान राम की पूजन अर्चन करते हैं। यह राजनीति का मामला नहीं है। कांग्रेस पार्टी भी भगवान राम को मानती है। हिंदुओं के नाते भगवान राम में मेरी आस्था है। कांग्रेस पार्टी ने कभी किसी धर्म को नहीं बांटा। यह भाईचारे का मामला है। हर धर्म के लोग प्रभु श्री राम को मानते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला आया था उसको पूरे देश ने माना। यह गर्व की बात है। कांग्रेस पार्टी के सभी लोग धर्म से जुड़े हुए हैं। कांग्रेस की विचारधारा जोड़ने की है, भाईचारे की है। मंदिर बनने से एक बार फिर देश सोने की चिड़िया बन जाएगा। और शिव की नगरी शिव का धाम और सब मिल पूर्ण करेंगे राम जी का काम। इस निमित्त तराना के माननीय विधायक महेश परमार जी द्वारा एक निधि संग्रह के निमित्त ये जो निधि दी गई है तो उनके लिए आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद प्रस्ताव करता हूँ। और आपसे आग्रह करता हूँ कि इसी प्रकार से एक राशि आपके आप विधानसभा क्षेत्र से आप निधि संग्रह के रूप में एकत्रित करवा के भगवान राम जी का जो भव्य निर्माण मंदिर का होने वाला है उसमें अगर आपकी भूमिका रहेगी तो उसके लिए बहुत बहुत हम आपके लिए कृतार्थ रहेंगे। भगवान श्री राम जी में जिसकी आस्था है उसके लिए तो हम सबके लिए गौरव की बात है। तो छोटी और तुच्छ काम है तो हम मेरे और मेरे परिवार की ओर से प्रभु के चरणों में श्री चरणों में अर्पित है, लेकिन हम सबके लिए बड़े सौभाग्य की बात है और इससे बड़ा कुछ हमारे जीवन में कुछ हो नहीं सकता। मेरे रोमांचित है और मैं भगवान राम का मंदिर बन रहा है अयोध्या में, तो इससे बड़ा मेरे पास शब्द नहीं, मैं क्या कहूँ। लेकिन भगवान श्री राम जी का भव्य मंदिर बनेगा और हम सब लोग पूरे देशवासियों, फिर रामायण का युग आएगा और पूरे सभी देशवासी हिंदुस्तानवासी सब एकजुट होकर भगवान जी की आराधना करेंगे और सब एक भाईचारे के साथ रहेंगे और हिंदुस्तान को फिर स्वर्णिम हिंदुस्तान बनाएंगे और जो पुराना इतिहास हमारा है भारत का वो पुराने दिन लौटेंगे और ये भव्य राम मंदिर बनेगा। हमारे आदरणीय साथी अजीत सिंह जी, विनू कुशवाहा जी, जितेंद्र मंडोरा जी और सभी साथी, हमारे जो आदरणीय अनुराग जी और हमारे सर पप्पू गोस्वामी जी, इनके माध्यम से हमें सेवा का अवसर मिला और हमारी जो आस्था प्रभु श्री राम जी में है तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जय जय श्री राम और ये भव्य मंदिर बने। और मैंने तो तराना विधानसभा में जब शुरुआत हुई थी, जब ये माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय, सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आया था, तो हम सब लोगों ने भव्य सुंदरकांड का आयोजन किया था और मेरे विधानसभा क्षेत्र तराना परिवार के लोग लगभग 1,000 लोगों को बसों के द्वारा हम सब लोग जब ये मंदिर निर्माण की शुरुआत होगी तो हम सब लोग, हमने संकल्प लिया है सब कि हम सब लोग वहां जाएंगे, तो ये हम सबके लिए, हर हिंदुस्तानवासी के लिए बड़े सौभाग्य की बात है।